वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. सो दिस इज़ योर फोर्थ चैप्टर, रोबोट्स डोंट लाई. सो जस्ट रीड वेरी केयरफुली व्हाट इज इस चैप्टर अबाउट. रोबोट्स डोंट लाई. रोबोट्स डोंट लाई मीन्स होता है कि जो रोबोट्स होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं. ठीक. अब व्हाट इज़ द लेसन? करेक्शन. यू आर एन एरर. यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर. Correction. The work has not been done. Your computer has not been used. Error. Error. The robot's voice was metallic. अब बेटा क्या होता है कि जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट जो होती हैं वो बने किस चीज़ के होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं. वो से पूरा का पूरा वो मशीनरी पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग पे चलते हैं. तो अब उनकी आवाज़ जो होती है वो हमारी तरह तो होगी नहीं. उनकी आवाज़ कुछ मशीनरी होती है. ठीक है. अब वो रोबोट जो है वो बोल क्या रहा है? देखो, बोल रहा है करेक्शन. मतलब करेक्शन की ज़रूरत है उसे, उसे सही करने की ज़रूरत है. वो बता रहा है कि आप गलत हो, आप गलत हो और आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने पापा को. और अब तक वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका यूज़, आपका कंप्यूटर भी यूज़ नहीं हुआ है. एरर. एरर. द रोबोट्स वॉइस वॉज मेटालिक. और उसकी इस आवाज़ में, मेटालिक आवाज़ में वो इस चीज़ को बोल रहा था. ओह, डू स्टॉप इट मंकू, अजय सेड एंग्रीली. अब अजय क्या कहता है मंकू से कि मंकू बस करो, चुप हो जाओ. तो अभी मंकू है कौन, आगे देखिएगा. ठीक है. यू आर नॉट सपोज टू टेक पार्ट इन एवरी कन्वर्सेशन. कहता है अजय, कहता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि हर कन्वर्सेशन में तुम बोलो. मतलब जो भी बातचीत हो रही है तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. अब क्या हो रहा है? तो करेक्शन. मंकू रोबोट्स आर डोमेस्टिक मॉडल्स. दे पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड एक्टिविटी एंड कन्वर्सेशन. ठीक है. अब बता रहा है कि जो मंकू रोबोट्स होते हैं वो कौन होते हैं. मंकू रोबोट्स क्या होते हैं? सॉरी, ये मंकू ही बोल रहा है. अब वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या बता रहा है? कि जो मंकू रोबोट्स होते हैं वो घर के कामों में, घर के कामों के लिए बनाए हुए होते हैं. वो घर के कामों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और उसी तरह के कन्वर्सेशन में बात करते हैं. बच्चों की देखभाल करते हैं, वो घर के कामों को करते हैं. दे आंसर द टेलीफोन. और वो घर, और वो फ़ोन को आंसर करते हैं. दे, वो, मतलब ये सारी चीज़ें वो रोबोट अपने अपने बारे में बोले जा रहा था, जो कि ये चीज़ नॉर्मली वो करता नहीं था. ठीक है. अब क्या होता है? स्टॉप इट मंकू, अजय. अजय's फादर सेड. अब अजय के पापा ने बोला कि मंकू बस करो. ही टर्न टू अजय. और ये कहते हुए वो अजय की तरफ मुड़ते हैं. वेल यंग मैन, ही सेड स्टर्नली. और वो कहते हैं, और बेटा क्या हो रहा है? इसे पापा लोग कभी कभी कहते हैं ना, मस्ती के मजाक में या फिर नॉर्मली. आई नो यू आर नॉट इवन बिगन योर मैथ्स प्रोजेक्ट. मुझे पता है कि तुमने अभी तक अपना मैथ्स प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया होगा. आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूजेस. व्हेन आर यू गोइंग टू गेट डाउन टू इट. कहते हैं कि अब मैं कोई और एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहूँगा और ये चाहता हूँ, हाँ ये बताओ कि तुम इसको कब स्टार्ट करोगे और कंप्लीट करोगे. ठीक है. राइट अवे डैड, अजय आंसर्ड, सेटलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ हिज कंप्यूटर. और वो बैठते हुए क्या कहता है? बस पापा, अभी जैसे आप लोग अभी कभी कहते हो ना कि कोई काम नहीं किया रहता, तो अक्सर आप बच्चे कहते हो कि होमवर्क नहीं किया रहते, मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोलते हो, तो आप हमेशा बोलते हो ना, बस पापा बस जा रहा हूँ पढ़ने, बस अभी जा रहा हूँ. लेकिन वो अभी आता नहीं है आपका. तो वैसे ही अजय भी कहता है कि बस पापा, बस अभी तुरंत जा रहा हूँ. ही प्रेस्ड अ फ्यू बटन्स एंड सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन. और उसने कुछ बटन्स को प्रेस किया और उसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो थे, उसके मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो थे, वो उसके स्क्रीन पर आ गए. अजय बिगन टू वर्क इन अर्नेस्ट. और अजय अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया. मंकू पुल्ड आउट अ वैक्यूम क्लीनर एंड बिगन टू क्लीन द कारपेट. और मंकू ने क्या किया? मंकू वैक्यूम क्लीनर लेकर के आया और कारपेट को साफ करने लगा. अजय's फादर वेंट ऑफ टू हिज स्टडी
आफ्टर अ वाइल द डोर बेल रैंग, और अजय के पापा जो थे फिर वो अपने स्टडी रूम में चले गए वहाँ से। और कुछ देर के बाद क्या बजती है, डोर बेल बजती है, एक घंटी बजती है दरवाजे पर। अब कोई ना कोई तो आया होगा। अब आई बेट दैट्स दिनेश, वो क्या अजय क्या कहता है, पक्का ये दिनेश होगा, पक्का ये दिनेश आया होगा। थॉट अजय, अजय सोचता है, आई टोल्ड हिम आई वुड गो विथ हिम बट इफ आई डोंट फिनिश माई प्रोजेक्ट मंकू विल टेल डैड एंड देन आई विल बी ट्रबल इन ट्रबल। अब वो क्या सोच रहा है देखो कि ये वो सोच रहा है कि मैंने ही तो कल कहा था उसको कि हम लोग साथ में चलेंगे, बट लेकिन अगर मैं अभी अपना मैथ्स का वर्क कंप्लीट नहीं करूँगा तो ये जो मंकू है जाके पापा को शिकायत कर देगा और पापा फिर मुझे डांटेंगे, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंकू बच्चों की देखभाल भी करता था ना, इसलिए। द डोर बेल रैंग अगेन एंड मंकू बिगेन टू मूव टूवर्ड्स द डोर टू ओपन इट, और जो डोर बेल है वो फिर से बजती है और जो मंकू है जो रोबोट है वो दरवाजे की तरफ जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। मंकू, अजय सेड क्विकली। अब अजय क्या कहता है, मंकू इफ़ द विजिटर आस्क फॉर मी टेल हिम आई एम नॉट एट होम। वो कहता है जल्दी से, मंकू अगर दरवाजे पे जो भी होगा अगर मेरे बारे में पूछेगा तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि अब उसको कह दो, अगर उसको पता होता, अगर वो होता उसको पता चलता कि अजय घर पर है तो उसको कहीं जाना पड़ जाता। ठीक है, ही स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड गॉट अप टू हिज रूम टिल मंकू कुड गेट रीड ऑफ द अनवांटेड विजिटर। और अजय ने क्या किया, अपना जल्दी से कंप्यूटर बंद किया और जल्दी से अपने रूम में चला गया तब तक के लिए जब तक कि मंकू जो बिन बुलाए जो मेहमान है उसको देख ले और उसको भगा दे तब तक के लिए। ठीक है, However, instead of going to the door, Manku turned back and came towards Ajay. और पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि जो मंकू दरवाजे की तरफ जा रहा था, जाते जाते रुक गया और अजय की तरफ मुड़ करके आने लगा। A red light was flashing on his instruction panel. और उसके instruction panel पे एक panel बना होता है जिसमें कि instruction आते रहते हैं, वहाँ पे एक red light blink कर रही थी, जल रही थी या बुझ रही थी। ठीक है, Not here sir, correction, you are here. तो वो कहता है कि नहीं आपको यहाँ नहीं है, correction, आप यहाँ हैं। मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता वो क्या बोल रहा है। Oh my goodness, said Ajay in exasperation. ठीक है, exasperation. अब क्या बोलता है, अब बहुत इरीटेट होकर बोलता है, ओ माई गॉड, अजय बोलता है। ठीक है, द डोर बेल रैंग अगेन, और अजय फिर से डोर बेल बजती है। अजय, व्हाट्स द मैटर, व्हाई इजंट मंकू आंसरिंग द डोर बेल, कॉल्ड हिज मदर फ्रॉम द किचन। और अजय सोचता है, अजय कहता है कि आखिर मंकू को हुआ क्या है, ये डोर बेल बज रही है तो दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा है। तब वो अपनी मम्मी को किचन से बुलाता है अजय। ओ रियली, अजय मटर्ड, गोइंग टू द डोर, यू मेक मी सिक मंकू। और अजय से नहीं, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में कहता, इसको जाके दरवाज़ा खोलना चाहिए तो खोल नहीं रहा है। ठीक है, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है मंकू, मतलब तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है मंकू, ये ऐसा बोलता है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। एंड द फर्स्ट थिंग यू आर मिस्टेकिंग, आप सब एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जब भी मेरे पास नोट्स आ रही हैं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन आंसर लिख के दे रही हूँ तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स लिख दे रहे हो, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। जब आपके स्कूल्स चल रहे थे, टीचर्स आपको क्लासेस में पढ़ाती थी, तो हमेशा आपको बताया गया है कि चैप्टर की स्टार्टिंग हमेशा वर्ड मीनिंग से होती है। तो डू राइट द वर्ड मीनिंग फर्स्ट एंड देन राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस बार अगर आपकी कॉपी ऐसी आएगी तो आई विल नॉट चेक द कॉपी। ठीक है, योर कॉपी शुड बी प्रॉपर। ओके, थैंक यू।